जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ेंगे विदेशी लेखकों के और उनकी पुस्तक जो उन्होंने लिखी है उनके बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले, आपको अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं और इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए वीडियो हम शुरू मारते हैं। सबसे पहले है एडम स्मिथ ने कौन से बुक लिखी है। तो एडम स्मिथ ने लिखी है वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ ने लिखी है। फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन की रचना कौन से, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन की रचना है द वर्ल्ड एज ई आई सी इट। द वर्ल्ड एज आई सी इट, ठीक है। फिर दांते ने कौन से लिखी है, तो दांते ने लिखी है डिवाइन कॉमेडी। दांते ने लिखी है डिवाइन कॉमेडी। फिर होमर ने लिखी है ओडिसी और इलियट। कौन से होमर ने लिखी है, ओडिसी और इलियट, और दांते ने डिवाइन कॉमेडी। फिर है हेनरी मिलर। हेनरी मिलर ने लिखे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। किस क्या लिखे हेनरी मिलर ने, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर है न्यूटन। न्यूटन ने लिखे प्रिंसिपिया। न्यूटन की पुस्तक का नाम है प्रिंसिपिया। फिर जॉन मिल्टन की पुस्तक का नाम क्या है, तो जॉन मिल्टन की पुस्तक का नाम है पैराडाइज लास्ट। पैराडाइज लास्ट जॉन मिल्टन की पुस्तक का नाम है। फिर है प्लेटो। प्लेटो की पुस्तक का नाम क्या है, तो प्लेटो की पुस्तक का नाम है रिपब्लिक। फिर है गुन्नार मंडल की रचना कौन कौन सी, तो गुन्नार मंडल की रचना है अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगेंस्ट द स्ट्रीम और एशियन ड्रामा। किसकी रचना है, गुन्नार मंडल के अगेंस्ट द स्ट्रीम और एशियन ड्रामा। फिर है जॉर्ज आर्विल। जॉर्ज आर्विल की रचना है फार्म हाउस और एनिमल पार्क। क्या है, फार्म हाउस और एनिमल पार्क। फिर हमारे अगले अगली रचना है शेक्सपियर। शेक्सपियर की कौन कौन सी पुस्तक है, तो भैया शेक्सपियर की पुस्तक है कॉमेडी ऑफ एरर्स। कॉमेडी ऑफ एरर्स, एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट, एड समर नाइट ड्रीम्स, एड ए मिड नाइट समर ड्रीम्स, ठीक है। फिर हेमलेट, फिर किंग लियर, ऑनेलो, फिर जूलियस सीजर, मैकबेथ, ऑल इज वेल दैट इट्स वेल, ठीक है। कौन कौन सी रचना है शेक्सपियर की, कॉमेडी ऑफ एरर्स, एज यू लाइक इट, अ मिड समर नाइट ड्रीम्स, हेमलेट, किंग लियर, ओनेलो, जूलियस सीजर, मैकबेथ, ऑल इज वेल दैट इज वेल, ठीक है। फिर आते हैं हम अगले लेखक की ओर। तो अगले लेखक हैं मैक्सिम गोर्की। मैक्सिम गोर्की की रचना का नाम है मदर। क्या है, मैक्सिम गोर्की की रचना मदर। फिर है एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर की पुस्तक का नाम क्या है, मीम कैंप्स। मीम कैंप्स किसकी रचना है, एडोल्फ हिटलर। फिर अरस्तु। अरस्तु की रचना है पॉलिटिक्स। फिर रूसो। रूसो की रचना है द सोशल कॉन्ट्रेस्ट। रूसो की रचना है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। फिर मैकियावेली। मैकियावेली की रचना है द प्रिंस ऑन द आर्ट ऑफ वॉर। कौन कौन सी रचना है, द प्रिंस एंड ऑन द आर्ट ऑफ वॉर। फिर है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन की रचना है डिसेंट ऑफ मैन। चार्ल्स डार्विन जिन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी, इसी पुस्तक में उनका वर्णन है। फिर है विंसेंट चर्चिल। विंसेंट चर्चिल कौन है, प्रधानमंत्री थे वहाँ के। गैदरिंग स्टॉर्म्स। गैदरिंग स्टॉर्म और हिस्ट्री ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्या है विंसेंट चर्चिल की पुस्तक का नाम, गैदरिंग स्टॉर्म्स और हिस्ट्री ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फिर है जॉन किट्स। जॉन किट्स की रचना है इजाबेला। जॉन किट्स की रचना है इजाबेला। फिर लुइस फिशर। लुइस फिशर की रचना है गांधी एंड स्टालिन। फिर रिचर्ड एटनबरो। तो रिचर्ड एटनबरो की रचना है इन सर्च ऑफ गांधी। इन सर्च ऑफ गांधी, लिटन रिचर्ड एटनबरो। फिर डायनामोस्की। डायनामोस्की की रचना है द लाइफ ऑफ कॉन्ट्रेस्ट। क्या है, द लाइफ ऑफ कॉन्ट्रेस्ट। फिर हेराल्ड मैकमिलन। तो हेराल्ड मैकमिलन की रचना है राइजिंग द स्ट्रॉम। क्या है, राइजिंग द स्ट्रॉम। फिर कैथरीन मेयो। कैथरीन मेयो की रचना है मदर इंडिया। फिर लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय की रचना है वॉर एंड पीस। और लास्ट है हमारा एस्कॉट रीड। एस्कॉट रीड की रचना है एनवे टू नेहरू। एनवे टू हेरू। और चैनल आपको पसंद आया तो चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और ये इसका पूरे का स्क्रीनशॉट बना लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।